नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है सीआईटी एनसीईआरटी के लाइव फोन इन इंटरैक्टिव कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और विज्ञान की यानी कि साइंस की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसी का भाग दो है जो आज हम यहां पढ़ने वाले हैं। भाग दो पहले ही हो चुका है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने भाग एक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये दोनों ही प्रोग्राम आपस में जुड़े हुए हैं। कंटिन्यूएशन में हम आज का ये टॉपिक ले रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कक्षा 9 के सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, भाग ले सकते हैं इस कार्यक्रम में। अपने सवाल कुछ भी हैं तो हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप हमें फोन करना चाहें तो नंबर है 8800440559। अगर ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class9@cit.nic.in। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, उन्हें बेहद खुशी होगी आपके सभी सवालों का जवाब देकर। तो चलिए आपका परिचय करवाना चाहेंगे प्रोफेसर कृष्ण कुमार शर्मा से। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार सर। सर हैं फॉर्मर वाइस चांसलर महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से। और इससे पहले कि हम ये बातचीत शुरू करें, हम आपको एक जानकारी ज़रूर देना चाहेंगे। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड वुड कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिस ईयर, दैट इज 2023। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or should I say the world is one family. तो चलिए इसी के साथ सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, क्योंकि भाग एक ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या आप हमें थोड़ा सा एक रिव्यू देना चाहेंगे, बैकअप, कि भाग एक में हमने क्या समझा था, क्या पढ़ा था, और फिर आज के हम इस पार्ट टू को शुरू करेंगे सर। थैंक यू तन्वी जी। हमने भाग एक के अंदर चैप्टर 5 इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी बॉडी की तो फंडामेंटल यूनिट क्या है उसको जानने की मैंने कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि हमारी बॉडी या सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसे बनी हुई होती है। तो ये एक स्लाइड जो है जस्ट पिछले भाग को एक छोटा सा एक समराइज करने के लिए कि जिस तरह से एक पूरी बिल्डिंग छोटी छोटी ब्रिक्स की बनी हुई होती है, इसी तरह से हमारा शरीर बहुत छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है जिन्हें सेल बोलते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये विभिन्न तरह की होती है। देखिए आप जिस तरह से इस चित्र में दिखा रखा है, मसल सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, स्ट्रेटेड मसल्स हैं, एपिथेलियल, विभिन्न प्रकार की सेल्स तो हैं, लेकिन इनमें प्रकार डिफरेंट होता है, इनमें टाइप्स डिफरेंट होती है, सो दैट वी कैन परफॉर्म वेराइटीज ऑफ फंक्शन। और फिर हमने बताया था कि किस तरह से हम ऑनियन के पील के अंदर मैंने सेल दिखाने की कोशिश की थी, यदि ये रिकॉल करते हैं हमारे दर्शक हैं। सो आई ट्राई टू शो द सेल्स इन द ऑनियन पील। इसी तरह से सेल के अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है। रेजिन या किशमिश का इस्तेमाल करते हुए हमने कैसे वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में फूल जाती है, सिकुड़ जाती है, बताने की कोशिश की। लेकिन आज हम बताना चाहेंगे कि ये सेल के अंदर होता क्या है। ये तो बता दिया कि सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, मतलब हमें भी तो जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या काम होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम और गहराई में जाते हैं। पहले तो गहराई में हम ये चले गए कि आप देखिए 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क के अंदर सेल देखी थी, सब लोग जानते हैं, बड़ा हिस्टोरिकल नाम है। फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 के अंदर ये बताया कि बहुत सारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बिकॉज माइक्रोस्कोप अच्छे विकसित हो गए थे। और ये माइक्रोस्कोप्स का जो विकास होता गया, तन्वी जी, जैसे जैसे नए नए माइक्रोस्कोप आते गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, एटॉमिक माइक्रोस्कोप आए, तो हम और गहराई में चलते गए, क्योंकि हमें पता लगाना था कौन कौन सी डिजीज होती है, क्यों होती है, डिजीज को रोकने का क्या तरीका होता है। तो इनकी जानकारी लेना बहुत जरूरी था, और ये जानकारी लेने के साथ साथ में सेल की भी अंदर हमने जानकारी ली। तो देखिए बहुत सारे सेल्स, स्मूथ मसल सेल हैं, नर्व सेल हैं, इनके सबके शेप्स अलग अलग हैं। और फिर इसके बाद में थोड़ी सी और जानकारी जब हमने प्राप्त की कि भाई बैक्टीरिया, हम सब लोग जानते हैं बैक्टीरिया भी एक सिंगल सेल होती है, और इसी तरह से कुछ ऐसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे प्रोटोजोअन्स होते हैं जो एक सिंगल सेल के बने होते हैं। लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो अंदर के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बड़े प्रिमिटिव टाइप की होती है, प्रोकैरियोट बोलते हैं इसलिए,
इनमें न्यूक्लियस केंद्र जो होता है ना, जो मैं भी आपको बताऊंगा, वो बिल्कुल बिखरा सा पड़ा रहता है, इसलिए इनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं बैक्टीरिया को। और बाकी जिनमें न्यूक्लियस बिल्कुल चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसे यूकेरियोट बोलते हैं। ये कंसेप्ट हमारे बच्चों में 9th क्लास में आना चाहिए। अब ये बैक्टीरिया का एक सेल है जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, चारों तरफ सेल वॉल भी है, लेकिन अंदर जब देखें तो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में होते हैं। ये इनकी बुक का ही चित्र है। तो अभी बच्चे जानने की कोशिश करते हैं, हमेशा पूछते हैं, सर फिर डिफरेंस क्या होता है इनमें, प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर वेरी स्मॉल इन नंबर, 1 से 10 माइक्रोन के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स 5 से 100 माइक्रोमीटर के होते हैं। न्यूक्लियर रीजन इनके अंदर बिखरा होता है और इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जबकि हम भी यूकैरियोट हैं, उनके अंदर केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर बैक्टीरिया के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, लेकिन हमारे जैसे आप मेरे अंदर या आपके अंदर जो दर्शक देख रहे हैं, ये भी जोड़े 59 होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन देखिए, इतने कमी के बावजूद भी ये बैक्टीरिया कितने बीमारियां वगैरह फैलाते रहते हैं, एक वायरस को हमने कोविड में देखा। तो इसलिए हमें और हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये मैंने बताया था कि एक अनियन होती है ना, प्याज होती है, उसके छोटा सा पील लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जब स्टेन करके देखो, ये केंद्र दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं, ऐसे हो रहा है जैसे किसी ने ब्रिक्स को लगा दिया हो। और ये आप एक छोटा सा एक मैं वीडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके अंदर देखिए ये सेल की ऑर्गेनाइजेशन दिखाने की है। और आप ये नई टेक्नोलॉजी आई है, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी, इसके अंदर देखिए ये माइक्रोस्कोप और बुक मेरे सामने रखी हुई है, और इसमें से एकदम से सेल उठ कर आ गई। देखिए ये सेल आ गई, और ये सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स आप इन नई टेक्नोलॉजीज के द्वारा आप सारे इनको पास में ले जाकर देख सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये गोल्जी बॉडीज है, ये सारी चीज मैं बताऊंगा अभी, लेकिन ये बताने की कोशिश ही मैं कर रहा था कि नाउ टेक्नोलॉजीज आर डेवलपिंग, और हमें पढ़ना भी इसी तरह से चाहिए कि जो भी चीज हम पढ़ें उसको हम अपने सामने रखकर देखें कि वो कैसे दिखाई देते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत एक आपको मैं एनिमेशन दिखाता हूँ। ये सेल हमारी ऐसी होती है, ये एक यूकेरियोटिक माने हमारे सिस्टम की जैसी सेल है, और ये सेल के अंदर देखें कि एक चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। मैं आज आपको एक बहुत गुड जो डिफरेंस प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का होता है बताने की कोशिश करता हूँ। और इस तरह से सेल जो दिखाई देती है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये दिखे ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इनको और बताऊंगा अभी, और नए चित्र आएंगे इसके अंदर और बहुत बढ़िया तरीके से। मेरा उद्देश्य है कि आपके ब्रेन के अंदर बिल्कुल फिट हो जाए कि भाई सेल हमें कैसी दिखाई दे। ये देखिए न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ना, ये साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल्स हैं, ये गॉल्जी बॉडीज हैं, ये दिखाई लाल लाल से दिखाई दे रही है। सो मैंने कोशिश की कि आपको ये लगे ऐसी हमारे यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, आप अंदाजा लगाएं, और हर सेल के अंदर ऐसी हजारों फैक्ट्रियां काम करती रहती है। जब भी मैं बोल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो ये सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। यदि हम इनको जान लेंगे तो हम बहुत कुछ समझ पाएंगे, यदि हम इनको जान नहीं पाएंगे तो उसके बाद में फिर हम अंधेरे में रहेंगे। देखिए ये एक प्लांट सेल, ये एक एनिमल सेल है। प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर बहुत सारी समानता है। प्लांट सेल के अंदर एक सेल वॉल जो है ना हरी रंग की है, ये एक्स्ट्रा है, और इसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दीज आर टू कंपोनेंट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट तो आप जानते हैं पौधों को हरा रंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर ये न तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, न सेल वॉल पाई जाती है, परंतु एक चीज पाई जाती है सेंट्रियोल, जो प्लांट्स के अंदर नहीं होती है। इस तरह से हमने इस तरह से चित्र में, और ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर। ये नहीं है कि हमने एक सेल दिखा दी, एक आपको गोल अंडा सा दिखा दिया, लेकिन इसके अंदर भी जानने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से पता लगा कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक्चुअली चैनल्स हैं। जब भी किसी चीज का निर्माण होता है ना, जैसे मेरे मुंह में अभी सलाइव आया, मेरे को कोई चीज याद आई, सलाइव आया, तो बहुत सारे हमारी सेल्स जो है एकदम से एक्टिवेट हो जाती है,
जो कि हमारे ओरल कैविटी के अंदर है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और इन चैनल्स के थ्रू ये बाहर आता है, और फिर ये मेरे मुंह में आ गया, अभी लार आ रही है, बड़ी अच्छी सी लग रही है कि मेरे सामने जो एक अच्छे खट्टे नींबू की चीज याद आई। तो हमें जानना चाहिए, अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया देखिए दिखाई दे रहा है ना, मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सभी एक्टिवेट हैं, मेरे अंदर एनर्जी, मैं बोल रहा हूँ मेरी लंग्स बोल रहे हैं, मेरे आवाज निकल रही है, बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये गोल्जी, ये नीले नीले रंग का जो मैंने दिखा रहा है, ये देखिए ये गोल्जी एपरेटस है, ये वाला गोल्जी, गोल्जी एपरेटस बहुत ज्यादा सिंथेसिस का काम करता है, ये यदि नहीं हो तो सिंथेसिस नहीं हो। फिर हमारे अंदर छोटे छोटे से एंजाइम फिल्ड बॉडीज होते हैं लाइसोसोम्स में, आगे और उनको डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इंटीरियर के अंदर क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अवर सेल। तो एक चीज जो काफी लोग जो है आगे तक गलतियां करते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इस चीज को मैंने बहुत मेहनत करके एक स्लाइड बनाई है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह देख लें कि मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी हिस्सा है ना, ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं एरो चला रहा हूँ, इसके अंदर साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है और ये न्यूक्लियस है, तो अंदर का ये लिक्विड फ्लूड पार्ट जो है ना, दिस इज साइटोप्लाज्म, समझ में आ रहा होगा। और यदि मैं मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को तीनों को शामिल करूं तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस एंड ऑल द मेम्ब्रेन ब्राउंड स्ट्रक्चर्स आर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो अब मैं समझता हूँ कि आप साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के, मैं समझता हूँ जो भी देख रहा है इस समय वो तुरंत पहचान के होंगे कि दिस इज लिक्विड बॉडी इज साइटोप्लाज्म इन विच वेरियस सेल कंपोनेंट्स ऑर्गेनल्स आर देयर। मैं ऑर्गेनल जब शब्द बोलता हूँ ना, इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन साइड द सेल आर द सेल ऑर्गेनल्स। एक छोटा सा प्रयोग आपके हैं और मैं करके आपको बताता हूँ कि देखिए, एक ये रियो लीफ है, मैं ये दिखा रहा हूँ, मैंने ये पौधा लेकर आया हूँ, दिख रहा है मेरे ख्याल में? जी जी सर, दिख रहा है ना, ये तन्वी जी दिखाई दे रहा है, ये पत्ती है, इस पत्ती का हम एक छोटा सा पीस लेके और एक प्रयोग करेंगे, और ये प्रयोग करने की कोशिश करेंगे कि जब भी हमारा प्रोटोप्लास्ट बाहर निकल के आ जाता है, डिस्ट्रॉय करते हैं, किन परिस्थितियों में, या तो हम इसको उबाल दें गर्म पानी के अंदर, एक प्रयोग है इनके यहाँ पर, मैं अभी दिखाऊंगा, या आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा गाढ़ा चीनी का या नमक का सॉल्यूशन डाल दें, तो इनके अंदर का जो ये कंपोनेंट है, देखो मैं ये वाला कंपोनेंट है, ये ब्लास्ट हो जाता है, प्लांट का अंदर है ना, ये प्लांट है, ये सब बाहर निकल के आ जाता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से भी निकल के आ जाता है, कुछ मेम्ब्रेन पड़ी रहती है। तो एक बच्चों के लिए एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये प्रयोग है कि आप इस तरह से, ये पौधा जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस पौधे के अंदर एक छोटा सा प्रयोग है, ये करके आप देखें, और ये प्रयोग बहुत सिंपल है, आपको एक माइक्रोस्कोप लेना है, एक बीकर लेना है, और ये रियो प्लांट की एक पत्ती का टुकड़ा लेना है, इसको उबाल देना है, और उबालने के बाद में आप देखेंगे कि क्या चीज नजर आती है। देखिए, जब उबलने से पहले जो रचना थी, देखिए ये दिखाई दे रही है, जब ये बिल्कुल जिंदा होता है ना, व्हेन ऑल द सेल्स आर अलाइव, इनको हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, ना तो गर्म करके डिस्ट्रॉय किया है, ना ही हमने शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन से किया है, लेकिन जब हम इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि इनके प्रयोग दिखा रखा है, तो देखिए उसमें क्या हो जाता है कि ये प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये डिस्ट्रॉय होने के साथ में ये सारा प्रोटोप्लाज्म बाहर निकल के आ जाता है, और ये देखिए अंदर की जितनी भी रचना है ना, ये देखो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिखाई है ना, आपने देखा, अब यहाँ अंदर के सारे कंपोनेंट ऑर्गेनल्स वगैरह दीज आर दी बर्स्ट। ये छोटा सा प्रयोग आप करके देखें, आपके पास में माइक्रोस्कोप होना चाहिए, और माइक्रोस्कोप की सहायता से आप ये देख सकते हैं कि हमने गर्म करने के बाद में, पत्ती को उबालने के बाद में प्रोटोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको हम स्लाइड पर रखकर देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया जानकारी देता हूँ, भाई एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस में ऐसी क्या खासियत होती है कि ये जो बहुत सारी एक्टिविटीज की गतिविधि करता है, तो मैंने टेक्नोलॉजी के जरिए न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम को ही बाहर निकाल दिया। ये देखो मैं बैठा हूँ, मैं ये मेरा स्टूडियो जहाँ पर बैठा हूँ, इसमें से मैंने न्यूक्लियस जो था उस न्यूक्लियस को क्रोमोसोम को बाहर निकाल दिया। देखो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम,
ये क्रोमोसोम को मैं दिखाता हूँ, क्रोमोसोम को जल्दी निकल के आ गया, ये क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है आप जी, जी क्रोमोसोम दिख रहा है जी। क्रोमोसोम के बाद में छोटे छोटे नेटवर्क दिखाई देते हैं और फिर अल्टीमेटली जीन्स, ये वो जीन नहीं है ना पहनने वाली जीन है, लेकिन ये वो जीन्स हैं जो हमारी विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण करती हैं। ये बहुत बढ़िया मैंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसमें आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं कि किस तरह से एक न्यूक्लियस में से, एक न्यूक्लियस है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम स्टेन करके देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि न्यूक्लियस जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, जिस यानी कि दो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर डीएनए मुख्य पाया जाता है, डीएनए होता है, प्रोटीन्स होते हैं और ये न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल, की रोल इन अवर डे टू डे एक्टिविटी। जैसे मान लो अभी किसी प्रोटीन की जरूरत पड़ी मेरे शरीर में, तुरंत न्यूक्लियस के पास में मैसेज आएगा कि जल्दी से जल्दी प्रोटीन बनाना उसकी जरूरत है, अभी खाना आया है, पाचन करना है, इसके अंदर ये एंजाइम बना होता है, ऑल द की रोल्स। इसके अलावा हमारा रिप्रोडक्शन के अंदर भी, हमारी सेल एक सेल से दो सेल बनती है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस का महत्वपूर्ण रोल होता है। इस चित्र को देखो बहुत बढ़िया, वी आर ऑर्गेनिज्म है ना, ह्यूमन बीइंग है ना, दिखा रखा है, ए ह्यूमन बॉडी हैज गॉट ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, ईच सेल न्यूक्लियस कंटेन एन आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और हमारे अंदर एक जोड़ा, जैसे मेरे अंदर 23 पेयर्स ग्रुप क्रोमोसोम्स हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मान लो 20 पेयर है, किसी में 19 है, बट जो जोड़े में होते हैं, ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन्स वन क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, एक मेरे माता से आया है, एक मेरे पिताजी से आया है, सो इट्स ए पेयर ऑलवेज। इसके अंदर जब हम इसको और डिटेल में जाते हैं तो ये कुछ धागों का बना होता है और वो धागे क्रोमेटिन फाइबर्स कहलाते हैं, और फिर आगे जाकर देखने के बाद में हमें वो जीन्स भी दिखाई देती हैं। देखिए बहुत बढ़िया चित्र है, ये क्रोमोसोम है, इतना अच्छा चित्र है, ये हम लोगों के जमाने में नहीं था, लेकिन आज स्टूडेंट्स के सामने इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी, ये देखिए इसको बारीकी से देखते हैं तो दीज आर दी थ्रेड्स, और इन थ्रेड को और ज्यादा खोल के देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि देर आर, दिस इज दी क्रोमेटिन नेटवर्क, अंदर तो प्रोटीन है गोले गोले दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ ये डीएनए है, और डीएनए का वो हिस्सा जो कि कोई फंक्शनल एक्टिविटी करता है उसको हम जीन बोलते हैं, और ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। हरगोविंद खुराना जी को नोबेल प्राइज मिला था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बहुत सारी डिटेल्स बताने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए। अब ये देखें कि ये एक क्रोमोसोम है ना, ये हमारे कोशिकाओं में से पड़ा रहता है, और ये इसको जब खोलते गए, जब खोलते गए खोलते गए तो ये देखिए रचना नजर आ गई। सो यू कैन सी डीएनए है ना, पूरी दिख रहा है सबको कितना खूबसूरत तरीके से ये दिखाई दे रहा है रोप जैसा जी। और बीच में ये प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स बहुत सारे हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे गुणों को निर्धारित करती है, और यही हमारे यहाँ पर कुछ कैंसर कॉजिंग जीन्स भी होती हैं, उनको जीन्स बोलते हैं, वो यदि एक्सप्रेस कर जाए, देखिए हमारे शरीर में ट्रिलियन सेल्स होती हैं, मिलियंस ट्रिलियंस एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन एवरी मोमेंट। तो ये मैं आपकी बुक के अंदर कि भाई हम ये रोजाना हमारी सेल्स बनती हैं, कटती हैं, पिटती हैं, फिर ये सेल बनती कैसे हैं, सेल डिवीजन होना चाहिए ना, तो जैसे ये दिखा रखा है कि एक हमारी मदर सेल है जिसके अंदर ये चार क्रोमोसोम्स है ना, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, जब भी डिवीजन होता है तो इसमें हमारे चारों क्रोमोसोम्स इक्वली डिवाइड होते हैं, इसको बोलते हैं माइटोसिस। यहाँ भी पेरेंट के अंदर भी चार क्रोमोसोम्स थे और यहाँ भी चार क्रोमोसोम्स बन गए, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस, इक्वल डिवीजन। बट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन हमारे यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। देखिए पहले ये चार के दो हुए और दो के ये दो दो के सेट यहाँ पर चले गए है ना, और ये एक स्पर्मेटोजोआ बन सकता है या एक ओवम बन सकता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर ये दो से चार हो जाते हैं, तो दो से चार की विधि फर्टिलाइजेशन कहलाती है, जिससे कि हमारे नए जीवन का, एक नए बच्चे का निर्माण होता है, और ये मियोसिस के द्वारा होता है। 5.8 फिगर इज मियोसिस एंड 5.7 इज माइटोसिस, लेकिन मैं आपको इसको रियल दिखाता हूँ जिससे कि आपको ये लगे कि भाई किस तरह से हमारे सेल डिविजन होता है। देखिए रियल पिक्चर है, बहुत खूबसूरत है, बड़ी मुश्किल से आपको इस तरह की पिक्चर देखने को। देखिए ये आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं है ना, और ये क्रोमोसोम, फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ बिकॉज दिस इज ए रेयर सीन, वन हैज टू वॉच इट अगेन, ये बहुत बढ़िया सीन है। मैं देखो आप इसको गौर से देखना, ये क्रोमोसोम, ये डिवीजन हुआ और दोनों
अलग अलग पोल्स पर चले गए, इक्वल डिवीजन. सो दिस इज द वे द सेल्स द डिवाइड. तो सेल डिवाइड होती है उस समय क्या होता है, सबसे पहले एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नेटवर्क है, देखिए सारा नेटवर्क है, ये कंडेंस हो जाता है और ये बन जाता है. मैं इसको एक बार रिपीट और कर देता हूँ. आप देखो नॉर्मली इन अवर सेल्स, आपकी और मेरी सभी की सेल्स के अंदर ये धागे जो पड़े रहते हैं, ये धागे अब कंडेंस हो रहे हैं जैसे ही सेल डिवीजन माइटोसिस में प्रवेश करती है. देखो ये थ्रेड थे, क्रोमेटिन नेटवर्क, और ये कंडेंस होके प्रोफेज के अंदर ये क्रोमोसोम बन गए. अब ये क्रोमोसोम मूव करते हैं मेटाफेज के अंदर, एक प्लेट पर मूव करते हैं. ये प्रोसेस चलता रहता है, ये डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन इनको बताना जरूरी है. क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए, फिर ये आगे मूव करते रहते हैं. देखिए कितना बढ़िया तरीके से मूव करते हुए दिखाया है ना, बहुत बढ़िया. ये जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो सेंट्रोमियर जो होता है वो एस्ट्रल रेस से जुड़ के चले गए, और ये प्रोसेस आपके शरीर में चल रहा है. आपकी बोन मैरो अभी भी लाखों सेल्स में ये चल रहा है, जो आप देख रहे हो चलता हुआ दिखाई दे रहा है. दिस इज हैपनिंग इन अवर सेल्स. सो फ्रेंड्स, हमें अपने सेल की इंटीरियर भी जाननी चाहिए, हमें अपनी सेल की एक्सटीरियर भी जाननी चाहिए. तो हमने ये दोनों पार्ट के अंदर क्या सीखने की कोशिश की उसको मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रखें कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इसके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, सेल ही है सब कुछ. इसके अंदर बहुत सारी सेल्स आर एनक्लोज बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो मैंने मेम्ब्रेन बताई थी, प्लांट्स में भी एनिमल्स में, बट प्लांट्स आर हैविंग वन मोर प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव, इसके चारों तरफ लिक्विड का आदान प्रदान होता है ऑस्मोसिस के द्वारा. इन प्लांट सेल ए सेल वॉल कंपोज मेनली ऑफ सेल्यूलोज इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. The presence of cell wall enables the cells of plants, fungi, bacteria to exist in hypotonic media without bursting. ये cell wall बहुत protect करती है. Nucleus in eukaryotes is surrounded by double membrane structure. उसके चारों तरफ endoplasmic reticulum पाई जाती है, और ये channel का जो भी material बना उसको, जैसे आज हमारे यहाँ पर कोई production हुआ किसी भी चीज का, तो आपने देखा होगा ना बहुत सारे truck चलते रहते हैं, उनके अंदर containers होते हैं. इसी तरह से हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो रफ होती है और एक होती है स्मूथ. और मैं अभी एक चित्र में दिखा दूंगा कि रफ कैसी होती है, स्मूथ कैसी होती है. फिर हमारे यहाँ गॉल्जी बॉडीज पाई जाती है. हमारे पास पूरी सिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सामान पहुंचाती है कि भाई जाओ ले जाओ ये सामान, ये बन गया, और सुबह शाम ये चलता रहता है. और इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर विभिन्न फंक्शन चलते रहते हैं. मैं आपको इस सेल के अंदर ही बता देता हूँ. सर, वी डोंट हैव एनी मोर टाइम लेफ्ट. हाँ बिल्कुल जी. मैं इसको समराइज कर रहा हूँ कि ये जो हमारी सेल है, इस सेल के अंदर ये डिफरेंट, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर जहाँ राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और यहाँ जो आप देखें लाइसोम्स हैं, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ ना, इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं. कोई बैक्टीरिया आया, वायरस आया, तुरंत यहाँ पर आके ये इनको ट्रैप कर लेते हैं, उनको पचा लेते हैं. आपकी सेल अंदर से सफाई होती है. देखिए हमारे सेल के अंदर सिंथेसिस भी होते हैं, मिलियंस ऑफ फैक्ट्रीज आर वर्किंग. एक नोबेल लॉरेट ने औरंगाबाद में 2009 का नोबेल प्राइज मिला था मैडम का, उन्होंने राइबोसोम्स पर काम किया. मैं तो बहुत चक्का हो गया कि हमारे ट्रिलियन सेल्स हैं, एक सेल के अंदर करोड़ों मशीनरियां चलती रहती हैं. जी सर, तो सर बहुत कुछ है सेल्स बताने की कोशिश की जी. और मुझे कोई प्रश्न हो आपके मस्तिष्क में हो या बच्चों का तो आप पूछिएगा. जी सर, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, पर क्योंकि हमारे पास और बिल्कुल भी समय नहीं है चर्चा करने का, हमें कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करना होगा. पर आपने जितनी भी जानकारी दी वो बेहद महत्वपूर्ण थी, और सेल्स हो, न्यूक्लियस हो, क्रोमोसोम्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, इनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है. जैसा कि आपने कहा, सेल का इंटरनल साइड भी हमें जानना चाहिए, और वो भी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है. थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद करना चाहेंगे सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए. और अब हमारा जाने का समय आ गया है. थोड़ी देर में हाजिर होंगे एक और अपना कार्यक्रम लेकर, वो होगा सीरीज ऑन डिजिटल इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन. आज जिस बारे में बातचीत होगी वो होगी ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्कूल एजुकेशन. तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहिए. ई विद्या चैनल्स देखते रहिए. मैं हूँ तन्वी खुराना, मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.